हेलो दोस्तों स्वागत है आपका जीके विद अज़ीम यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का विवर्तन इससे पहले हम लोगों ने प्रकाश के व्यतीकरण के बारे में पढ़ा था अगर वो वाला चैप्टर आप नहीं देखे हैं तो आपको वो चैप्टर वो वीडियो देखना चाहिए उस चैप्टर से मैंने एक वीडियो बनाया है दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे सी या और भी कोई भी तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है आज हम जानेंगे कि विवर्तन में एक दिवसीय परीक्षा में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और ये है क्या तो सवालों को जानने से पहले हम विवर्तन के बारे में जानेंगे उसके बाद इससे कितने टाइप के सवाल आए हैं और बनने की संभावना है इसको हम देखेंगे तो करते हैं शुरू सबसे पहले प्रकाश का विवर्तन यानी डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट ये विवर्तन की खोज सबसे पहले की थी ग्री ने सोलह में अगर आप व्यतिकरण वाला वीडियो नहीं देखें तो आप उसे देखिए तब आपको ये ज़्यादा चीज़ें सही से समझ में आएंगी क्योंकि मैंने उसमें प्रकाश के कुछ गुण के बारे में शार्ट में बताया भी है विवर्तन का अर्थ होता है शाब्दिक छोटे छोटे टुकड़ों में बटना या मुड़ना तो सबसे पहली चीज़ है कि विवर्तन है क्या तो किसी अपारदर्शी अवरोधक के यानी किसी अपारदर्शी तीक्ष अवरोधक के किनारों से जब प्रकाश गुजरती है तो वो सीधी न जाके थोड़ी सी छाया वाले हिस्से में मुड़ जाती है ये कहलाता है प्रकाश का विवर्तन जैसे आप यहाँ पे देखें ये तीक्ष्ण एक अवरोधक है बहुत बारीक या कोई छिद्र ही क्यों ना हो बहुत छोटा छिद्र हो और प्रकाश जब आ रही है तो इसे सीधा यहाँ पे आना चाहिए और ये हिस्सा बनना चाहिए छाया लेकिन प्रकाश जो है थोड़ा सा छाया वाली हिस्से में आंशिक रूप से पहुँच जाता है अर्थात प्रकाश जो है आंशिक रूप से थोड़ा सा मुड़कर छाया वाली भाग में पहुंच जाता है प्रकाश के इस घटना को हम लोग कहते क्या है विवर्तन कहते हैं विवर्तन औरोधक के आकार पर निर्भर करेगा तीक्ष्ण का मतलब होता है नोकीला तिरछा जैसे ब्लेड की धार हो गई बहुत छिद्र छोटा सा छेद हो गया उसमें से जब प्रकाश जाती है थोड़ा सा मुड़ती है मेन यही चीज है इसमें तो अब इसमें एक बात और आती है कि विवर्तन के आकार पर निर्भर करेगा अर्थात झिर्री या अवरोधक जहाँ से वो चीज़ पार होनी है झिर्री का मतलब पतली सी एक स्लाइड पेपर में एक आप ब्लेड से काट दें और जो हिस्सा बने उसको कहते हैं झिर्री कहते हैं जितनी पतली होगी जितनी पतली होगी विवर्तन उतना ही शुद्ध होगा मतलब शुद्ध का मतलब उत, उसमें उतना ही ज़्यादा वो उसमें फ्रिंजें बनेंगी और वो बट जाएगा जैसे देखिए यहाँ पर समतल तरंगाग्र चल रहा है एक छोटे से गत्ते में छेद किया गया है यह स्टील है बहुत ही छोटा सा छेद है इसको हम स्लिट कहते हैं या झिर्री है इसमें से जब समतल तरंगाग्र जब आगे बढ़ता है तरंगाग्र के बारे में मैंने बताया था अभी भी तरंगाग्र क्या है ये एक काल्पनिक सतह है लेयर है जिसमें तरंग समान कला में आगे की ओर बढ़ती है तो यहाँ पे देखिए ये श्रिंग ये गर्त ये श्रिंग और गर्त का काला वाला हिस्सा गर्त है और लाल वाला हिस्सा सरिंग है और ये लहर ऐसे आगे बढ़ रही है जब ये टकराती है तो यहाँ पर मुड़ जाती है देख रहे हैं ये हिस्सा मुड़ गया बीच वाला हिस्सा पार होकर सामने ये वाला इधर मुड़ गया मुड़ने के पश्चात क्या है एक नए प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करेगा और ये आगे जाके छोटे छोटे फ्रिंजों में बट जाएगा फ्रिंज क्या होते हैं कि वो डार्क और लाइट वाले स्पॉट होते हैं फ्रिंज इस तरह के बनेंगे और ये जो है ये फ्रिंजों की तीव्रता को दिखाया गया है अमूमन इसको ऐसे दिखाया जाता है ऐसे करके दिखाया जाता है मैं इसको जो है यहाँ पे ऐसे दिखाया हूं और ये है विवर्तन का प्रतिरूप बनता है अगर ये झिररी जितनी पतली होगी फ्रिंजे उतनी स्पष्ट शुद्ध यानी उतनी ही स्पष्ट और ज्यादा बनेंगी यहाँ पे देखिए लाल वाला चमकदार ये वाला अंधेरा चमकदार अंधेरा चमकदार अंधेरा इस तरह से प्रकाश कम और अधिक वहाँ पे आपको मिलेगा ये कहलाता है विवर्तन की घटना केवल मुड़ना ही नहीं है इसमें इसमें ये चीज भी है तो समतल रंगाग्र एक बहुत ही तीक्षण छिद्र से स्लाइड से जब आगे बढ़ता है तो रुकने के पश्चात जब वो प्रकाश जब निकलता है तो मुड़ता है और एक नए नए प्रकाश स्रोत के रूप में करता है कार और ये गोली है अरंगाग्रह होगा और पर्दे पे जब पड़ेगा तो उस पर इस छिद्र का स्पष्ट चित्र न बन के ऐसा चित्र न बन के वो ऐसा बनेगा जैसे कोई बारीक व चित्र हो अगर वो झिर्री है पतली से एक झिर्री है तो इस ये ऐसे पड़ेगा तो उसका एक स्पष्ट ये झिर्री का चित्र न बन के फ्रिंज बन जाएंगे यहाँ पर बस यही बात इसमें है तो ये मैं झेर्री लिया इसको अगर छिद्र होगा तो ऐसे होगा तीव्र प्रकाश फिर अंधेरा फिर तीव्र फिर अंधेरा इस तरह से प्रकाश बनेगा ये कहलाता क्या है विवर्तन की घटना कहलाती है अब अवरोधक या झिरी का आकार यानी कभी भी विवर्तन की घटना के लिए फ्रिंजे प्राप्त करने के लिए ये ये घटना कब होगी तो अवरोधक या झिर्री का आकार अवरोधक यानी वो ब्लेड का नोक या धार या कोई छिद्र या झिर्री झिरी का मतलब स्लेट का आकार प्रकाश के तरंगदार की कोटी का होनी चाहिए प्रकाश के तरंगदार का कोटी होता है दस पे माइनस सात मीटर की कोटि का होना चाहिए तभी आपको ये घटना देखने को मिलेंगी ये फ्रेंजेस मिलेंगी इस झिर्री को आप जितना बारीक करेंगे फ्रिंज उतनी स्पष्ट होंगी और जितना इसको आप बढ़ाते चले जाएंगे फ्रिंजों की संख्या घटती चली जाएगी और लास्ट में केवल एक इसकी जितनी चौड़ाई उतना ही प्रकाश आपको मिलेगा यानी तरंगदैर से जितना आप बड़ा करेंगे वो झिर्री की मोटाई आपको फ्रिंजें क्या होंगी उतना ही अस्पष्ट मिलेंगी लेकिन पतला होता चला जाएगा यानी तरंगदैर की कोटि का यानी प्रकाश के तरंगदेर की कोटि का तो आपको यानी दस पे यानी सात मीटर का तो आपको ये फ्रिंजें मिलेंगी और विवर्तन की घटना देखने को मिलेगी अगर प्रकाश श्वेत है तो फ्रिंजें रंगों में बट जाएंगी और अगर प्रकाश एक वर्णीय है मोनोक्रोमेटिक है तो वो केवल एक रंग के आ, आ, में ही प्राप्त होंगी और उसमें कहीं पे प्रकाश की तीव्रता अधिक कहीं पे कम कहीं पे अधिक कहीं पे कम होगा ये घटना कहता है लाल रंग के प्रकाश का विवर्तन सर्वाधिक है जबकि नीले प्रकाश का विवर्तन सबसे कम होता है ये परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये परीक्षा में पूछा जाता है और ये दूसरा पॉइंट कि या झिरी का आकार कितना होना चाहिए स्पष्ट विवर्तन प्रारूप पाने के लिए तो हम लिखेंगे दस पे माइनस सात यानी प्रकाश के तरंगदर की कोटि का होना चाहिए वो चित्र ठीक विवर्तन की घटना से प्रकाश के तरंग प्रकृति का ज्ञान होता है विवर्तन अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्य दोनों प्रकार की तरंगों में होता है आप जान लीजिए व्यतिकरण एवं विवर्तन की घटना के द्वारा ही प्रकाश को एक तरंग माना गया पर इन दोनों घटनाओं द्वारा प्रकाश ये तय नहीं होता है कि वो अनुप्रस्थ है कि अनुदैर है ठीक है हाइगेंस ने क्या कह दिया कि ये तरंग है ध्वनि की तरह और सारी व्याख्या हो गई लेकिन बाद में जब ध्रोवण की घटना होगी जो हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे उसमें प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग के रूप में परिभाषित किया गया तय होता है कि क्या है ये अनुप्रस्थ तरंग है उसके बारे में आगे वाले वीडियो में जानेंगे विवर्तन दो प्रकार के होते हैं एक कहते हैं फ्रेशनल विवर्तन और एक कहते हैं फ्रॉन हाफर विवर्तन फ्रेशनल विवर्तन में प्रकाश स्रोत और अवरोधक और, और पर्दा क्या होते हैं समीप होते हैं यानी प्रकाश स्रोत क्या होगा प्रकाश स्रोत बहुत करीब होगा और झिर्री जो है यानी अवरोधक वो भी करीब होगी और पर्दा भी समीप होगा यह कहलाता है फ्रेशनल विवर्तन इस सिस्टम को जो हम सेट करेंगे कहलाएगा इसमें क्या होता है तरंगाग्र क्या होता है गोलाकार होता है जैसे प्रकाश टार्च से हम जला रहे हैं या बल्ब से तरंगाग्र क्या होंगे गोल बाहर आते हैं गोलाई में रंगार भी तीन टाइप के होते हैं गोलीय, बेलनाकार और समतल लेकिन जब ये प्रकाश बहुत दूर जाता है तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा वो समानांतर हो जाता है बहुत दूर जाने के बाद तो इसमें जान लिए फ्रेशनल बर्तन में रंगार क्या होगा गोलीय या बेलनाकार होता है इसमें लेंस का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि पर्दा बहुत करीब होता है इसके उदाहरण हैं इस सिस्टम पे कुछ चीज़ें बनाई गई जैसे पिन होल कैमरा ब्लेड की छाया पिन होल कैमरा जो है सबसे पहले पुराने जमाने में कैमरा इस्तेमाल होता था, था। केवल एक छिद्र होता था और एक पर्दा होता था स्लाइड फोटो और उसी पे छप जाता था फोटो ब्लेड की जो धार होती है उसकी छाया दिखाई नहीं देगी प्रकाश में इसी कारण में उसके बाद आता है फ्रॉन हॉफर इसमें प्रकाश स्रोत और रोधक और पर्दा बहुत दूर दूर होते हैं जबकि प्रकाश स्रोत क्या होता है आ, वो बहुत अनंत दूरी पर है ये बहुत दूरी पे होते हैं और इसमें तरंगाग्र समतल होता है और तरंगा समतल होने के कारण विवर्तन की घटना को देखने के कारण लेंस का प्रयोग करते हैं कि वो एक समीप पर आ जाए यह घटना देखने को मिलती कहाँ पे है तो बादलों से आने वाला प्रकाश एक सिलिट या दिव सिलिट सिस्टम इसमें हम लोग को देखने को मिलता है ये बादल वाला आया है पिनहोल कैमरा ब्लेड की छाया आया हुआ है ठीक है अब इसमें बात आती कि विवर्तन एवं व्यतिकरण में तब अंतर क्या है फ्रिंजे तो दोनों में ही बनती हैं। तो विवर्तन में तरंग एक होगा जबकि व्यतिकरण में दो होते हैं अध्यारोपण होता है विवर्तन में जो फ्रिंजे बनेंगी, उसमें प्रकाश की तीव्रता अधिक और कम होगा पर प्रकाश की तीव्रता कभी भी जीरो नहीं होगी शून्य नहीं होगी जबकि व्यतिकरण में ऐसा नहीं होता है अध्यारोपण के पश्चात एक जगह तरंग तीव्र होगा और एक जगह उसकी जो तीव्रता होगी वो शून्य होती है यानी प्रकाश की दो तरंगे आपस में मिलेंगी तो वहाँ एक जगह प्रकाश बहुत तीव्र और एक जगह शून्य भी हो सकता है अब एक बात आता है ध्वनि तरंगों में व्यतीकरण और विवर्तन की घटना देखने को मिलती है कि इस तरह से ध्वनि भी एक तरंग के रूप में अनुदैर तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है इसलिए इसमें भी विवर्तन की घटना देखने को मिलती है क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य होता है सेमी से लेके .6 .6 से सेमी तक का होता है इसलिए इनमें व्यतिकरण अधिक देखने को मिलता है जैसे बंद दरवाजे में छिद्र द्वारा दौा, अंदर आवाज़ का आना दीवार के पीछे अगर कोई चिल्ला रहा है तो हम तक पहुंचना व्यतिकरण की घटना द्वारा ही हमको देखने को मिलता है अब बात आती है कि प्रकाश में व्यतिकरण की घटना और कहाँ कहाँ पे है तो दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप द्वारा सुदूर पिंडों या ग्रहों या तारों के फोटे स्पष्ट नहीं आते हैं धब्बे की तरह आते हैं व्यति विवर्तन के कारण होता है ठीक है पिन होल कैमरा करता है काम ब्लेड की धार की छाया का न बनना क्रिस्टलों के अंदर परमाणुओं की स्ट्रक्चर को जानना एक्सरे छोड़ा जाता है या और भी कोई रेज और वो मुड़ जाते हैं और दूर दूर पे परमाणुओं की संरचना प्राप्त होती है तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है विवर्तन की घटना का और ब्लेड की धार की छाया का नव बनना भी यही कारण है और पिन होल कैमरा विवर्तन के सिद्धांत पर करता है काम आप अगर किसी कमरे में हैं है और छोटा सा उसमें है छिद्र और उधर रोशनी है तो वो छिद्र एक प्रकाश स्रोत की भांति समझ में आता है कि वो कुछ जल रहा है लेकिन जब छिद्र को बड़ा करेंगे तो वो चीज़ आपको दिखेगी तो वो प्रकाश स्रोत की तरह काम करता नहीं है यही कारण है कि छिद्र से आने वाली प्रकाश लगता है कि स्वयं वह एक कोई बल्ब है जल रहा है ये भी विवर्तन की घटना के कारण होता है और छिद्र से आने वाला प्रकाश गोली एक अंगार के रूप में आगे फैलता है रेडियो तरंगे जो होती हैं रूम बंद होने के बाद भी वो तरंगे अंदर आती हैं छिद्रों द्वारा फैल जाती हैं फिर से आके विवर्तन की घटना के कारण ही ये होते हैं अर्थात हमने इस चैप्टर में क्या जाना कि आपको जानना क्या चाहिए घटना की खोज कौन किए थे ग्री मालडी ने किया था ठीक प्रकाश का तीक्ष्ण मार्ग तीक्ष्ण किसी से मुड़ना विवर्तन की घटना है और, और उद्योग का आकार क्या होना चाहिए प्रकाश के, के तरंगद की कोटि का होना चाहिए दस पे है ना सात मीटर ठीक है विवर्तन तरंगों में होता है तरंगों का ये मौलिक गुण है इस तरह से यह अनुप्रस्थ एवं अनुधैर्य दोनों तरंगों में देखने को मिलता है अर्थात ध्वनि में भी ये देखने को मिलता है जो तरंग के रूप में चलने उनमें ये देखने को मिलता है इस तरह से प्रकाश तरंग है इस घटना के बाद जाना गया उसके बाद ये दो टाइप के होते हैं और फ्रान हाफर अगर समीप है तो फ्रेशनल दूर है अनंत पे है तो फ्रान हाफर होंगे ठीक है और इसमें हिवर्तन एवं हितिकरण में अंतर की बात करें तो इसमें हिवर्तन में केवल एक होगा तरंग स्रोत जबकि इसमें दो होते हैं ठीक है ध्वनि में भी हितिकरण एवं हिवर्तन की घटना मिलती है क्योंकि ये भी क्या एक तरंग है ठीक ध्वनि रंगों का रंगदेर बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए इनमें विवर्तन की घटना देखने को ज़्यादा मिलती है दूर के भी आवाज़ लड़के हम तक पहुँच जाते हैं मिलकर क्योंकि वो एक स्रोत की तरह करते हैं काम और इस पर काम करने वाली चीज़ें कौन सी है पिन होल कैमरा क्रिस्टलों का परमाणु खन का अध्ययन और ये इफेक्ट हमारे जीवन में देखने को कहाँ पे मिलते हैं तो ब्लेड की धार की छाया का न बनना तारों तारों दूर द्वारा तारो का अस्पष्ट धब्बों का प्राप्त होना ठीक है और और बादलों से आने वाला प्रकाश बादल से आने वाला प्रकाश जो क्या है वो फ्राफरतन का उदाहरण है जबकि पिनहोल कैमरा क्या है वो फ्रेशनल का उदाहरण है तो ये कुछ ऑप्शन थे और सबसे अधिक अधिकतन होता है लाल प्रकाश में जबकि सबसे कम जो होता है वो नीले में होता है तो ये जो था आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए एक दिवसीय परीक्षा में अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीन लेना तो ले लें नहीं तो टेलीग्राम पर भी ये मौजूद है वहाँ से भी चाहे तो अपने आप नोट्स को मेंटेन कर लें तो एक दिवसीय परीक्षा में इसी से कुछ पॉइंट बनते हैं तो आपको ये वीडियो जानना चाहिए ये बातें थी और देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है आ, रेशनल वाला और जबकि यहां पे फरहान हाफर वाला है इसमें इस्तेमाल होता है लेंस जबकि इसमें क्या होता है अगर आप देखें तो ये गोली है अरंगागर होता है ये ये गोली है जबकि ये क्या होते हैं समांतर होते हैं तो इसमें लेंस होता है प्रयोग जबकि इसमें नहीं होता है ये होता है फ्रेशनल और ये होते हैं फुरहान हाफर ठीक तो ये चीजें हैं तो ये पॉइंट आपको जानने चाहिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे करिएगा लाइक और अगर आप इस चैनल पर नहीं तो करिएगा सब्सक्राइब मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद